पैनल। तो यहाँ पे देखिए ये एक सकुलेंट प्लांट है और इसकी कटिंग मैंने कुछ दिन पहले ही लगाई और बहुत छोटी छोटी थी जब मैंने लगाई, तो ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ पे आ गई है और ये धीरे धीरे बहुत जल्दी पॉट को कवर कर लेगा। यहीं पे देखिए एक स्ट्रिंग ऑफ बनाना, ये भी मैंने लगाई इस तरह से छोटे छोटे कुल्लड़ों में, तो ये भी लग गई काफ़ी अच्छे से। तो आज मैं ऐसे प्लांट लेकर आई हूँ जो कि आप अपने घर में लगाना शुभ होता है और हमारी हेल्थ के हिसाब से भी अच्छे होते हैं। चाहे आप मेडिसिनल प्लांट लगा लिए, चाहे आप जो है ना शुभ पौधे जिनको बोलते हैं, जो आप रामनवमी के शुभ अवसर पर जो है ना आप लगा सकते हैं। वैसे तो हम प्लांट जो है ना ख़रीदते ही रहते हैं, लेकिन एक शुभ अवसर होता है जो हम कि इस पे हम लगा सकते हैं, अपने घर में प्लांट ऐड कर सकते हैं। वैसे तो हम प्लांट ख़रीदते ही रहते हैं, लेकिन एक अच्छे मौके पे जो हम ख़रीदते हैं तो वो अलग ही हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो बस उसी हिसाब से आज मैं आपको प्लांट लेकर आई हूँ कि कौन कौन से प्लांट जो है ना आप लगा सकते हैं इस रामनवमी के शुभ अवसर पर। तो सबसे पहला प्लांट देखिए यहाँ पे ये है गुड़ैल का प्लांट, और देखिए कितना सुंदर फ्लावर होता है इसका। और बीच में देखिए ये इस तरह से देखिए इसकी आइज, मैंने भी आज फर्स्ट टाइम इसमें देखा है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, इसमें दिख नहीं रहा है साफ। तो ये जो है पूजा में काम आता है हमारे फ्लावर, गुड़ैल का फ्लावर कितना शुभ होता है, कितना मतलब कि प्लांट भी कितना शुभ होता है हमारे घर में लगाना। क्योंकि ये जो फूल है ना हमारे माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो गुड़ैल का कोई भी रेड कलर का जो है प्लांट आप लगा सकते हैं, चाहे सिंगल पैटर्न हो डबल पैटर्न हो, इस तरह से जो है कोई भी प्लांट आप जो है इस टाइम पे लगा सकते हो, क्योंकि आने वाला इसका मौसम जो है ना फूलों का ही है। अब ये एक परमानेंट प्लांट होता है और बहुत ज़्यादा फूल ये देता है और बहुत सारे कलर भी इसमें आते हैं। तो ये जो प्लांट है आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी प्लांट है। देखिए इस टाइम इसका मौसम है पूरा, आप जो है अप्रैल मंथ चल रहा है, तो इसमें आप जो अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं ये गुड़ैल के प्लांट। और जो कि शुभ अवसर भी जो मैंने बताया रामनवमी का है, तो उस पर आप जो है ये प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, घर में ला सकते हैं अपने। तो अगला प्लांट है यहाँ पे देखिए ये है स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट जो है बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, ऑक्सीजन रिच प्लांट होता है, हमारी हेल्थ के हिसाब से जो है बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। तो ये घर के इंडोर आप रख सकते हो और जो है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है हमको। तो ये हमें इंडोर में लगा सकते हो, आप अपने घर के अंदर इसको लगा सकते हो घर की शुद्ध हवा करने के लिए। तो इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। और जो है ना एक ही प्लांट से ढेरों प्लांट इसके बन जाते हैं, एक प्लांट अगर आप ले आओगे तो बहुत सारे प्लांट इसके बन जाएंगे। तो इसको भी जो है आप लगा सकते हो, छोटे छोटे बेबी प्लांट इसमें से निकलते हैं और इसको एक पत्ती से भी हम ग्रो कर सकते हैं। देखिए इसकी पत्ती यहाँ से कट करके और ये ऊपर का हिस्सा जो है ना हटा के मिट्टी में बस लगा दीजिए, इससे ही जो है 15-20 दिन में ही आपको एक से दो या तीन प्लांट इससे निकल आएंगे। तो इस तरह से इसको हम पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसको आप जो है अपने इस शुभ अवसर पर अपने घर में लगा सकते हो। तो अगला प्लांट यहाँ पे देखिए ये स्पाइडर प्लांट है, और स्पाइडर प्लांट भी ये है ऑक्सीजन रिच प्लांट होता है। तो इसको भी जो है आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, अपने घर में इस शुभ अवसर पे लाके लगा सकते हो। तो ये क्या है कि हमारी जो घर की पॉजिटिविटी है ना उसको बनाए रखता है और जो नेगेटिविटी है उसको दूर करता है। ऑक्सीजन रिच प्लांट है, इसको सही दिशा में अगर आप रखोगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। और इससे भी देखिए बहुत सारे ढेरों प्लांट आप बना सकते हैं, एक ही प्लांट से यहाँ पे देखिए एक ही प्लांट से ढेरों प्लांट बन जाते हैं। इस तरह से देखिए बेबी प्लांट इसमें से निकलते रहते हैं और एक बार अगर आप लाओगे ना तो इससे भी ढेरों प्लांट आप तैयार कर लोगे। तो मैंने भी मेरे गार्डन में एक ही प्लांट लाई, अब जो है ना इतने सारे प्लांट है कि मैं इनको जो है आधे ही ग्रो कर पाती हूँ और आधे इनको मैं किसी को गिफ्ट कर देती हूँ जिसको ज़रूरत होती है ले जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसकी होती है, बहुत जल्दी ग्रो करता है ये। और एक ही प्लांट से देखिए इसमें कितने सारे प्लांट बन गए हैं, और ये देखिए इनको डिवाइड भी कर सकते हो आप। और जो बेबी प्लांट निकलते हैं देखिए ये छोटे छोटे प्लांट इस टाइम पे निकलते हैं, इनसे जो है आप ढेरों प्लांट बना सकते हो। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, ऑक्सीजन रिच प्लांट होता है ये। तो इसको भी अपने घर में या गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो अगला प्लांट यहाँ पे देखिए तुलसी जी का प्लांट। तो तुलसी जी का प्लांट तो हर घर में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये एक मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी होती है और जो है इसको घर में लगाना शुभ भी होता है। तो हर कोई जानता है कि तुलसी प्लांट को लगाना कितना शुभ होता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है और इसको अपने घर के अंदर लगाने से हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। और जो है हम पूजा वगैरह भी करते ही हैं, दोनों टाइम पूजा होती है तुलसी जी की, सुबह के टाइम हम जल चढ़ाते हैं और शाम के टाइम हम दीपक वगैरह लगाते हैं। तो ये प्लांट भी जो है ना अपने घर में अगर आपके पास नहीं है तो ये भी आप जो लगा सकते हो। और देखिए कभी भी आप प्लांट खरीदें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, इस तरह से छोटे छोटे प्लांट होते हैं तो ज़रूर चेक कर लें। देखिए मैंने भी अभी लिए हैं और इस तरह से देखिए दो प्लांट मुझे मिले हैं, और साथ में ये देखिए ये एक दूब है जो हम पूजा वगैरह में डाब जिसको बोलते हैं। ये देखिए इसमें मुझे ये भी दिखी थी, क्योंकि ये मेरे पास मेरे गार्डन में है ही नहीं और पूजा में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, तो इसी वजह से मैंने देखिए ये प्लांट बिल्कुल छांट के लिया। इसमें एक तो मुझे दो प्लांट तुलसा जी के मिल गए और साथ में ये भी मुझे मिल गई। इसको मैं अलग पॉट में शिफ्ट कर दूँगा जब इनको मैं लगाऊँगी। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा जो है प्लांट मिले हैं, बहुत अच्छा इनका कॉम्बिनेशन मिला है। ये देखिए दो प्लांट हैं इसमें और साथ में ये दो मुझे मिले हैं। तो ये जो प्लांट हैं दो को भी अपने गार्डन में एक पॉट में कहीं भी लगा कर रखिए, पूजा में बहुत ज़्यादा यूज होती है हमारे। देखिए इससे जो है ना एक ही इस छोटी सी जड़ से ही जो है बहुत सारा फैल जाएगा, ये आप निकाल निकल के भी फेंकोगे ना तब भी नहीं जाएगा। तो एक छोटी सी जड़ से भी ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से ये भी प्लांट आप जो है ना अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। तो अगला प्लांट है यहाँ पर देखिए ये एक क्रेसुला है। तो क्रेसुला
प्लांट को भी हर कोई जानता ही है, और ये कितना अच्छा होता है हमारे घर में लगाना, शुभ कितना शुभ होता है। तो इसको लगाने से क्या है कि जो हमारे घर में धन की कमी नहीं होती, कुबेर जी जो कहते हैं ना, कुबेर जी की हमारे घर में कृपा बनी रहती है। तो इसको भी अपने गार्डन में जरूर लगाएं। एक सैकुलेंट प्लांट है ये, थोड़ी केयर मांगता है, तो बस इसकी थोड़ी केयर करने से ही हमारे पास परमानेंट बना रहता है। इससे भी हम कटिंग से, इसकी पत्ती से ही इसको हम ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी एक पत्ती से देखिए ये छोटा प्लांट और बन गया है, आप देख सकते हो। देखिए एक पत्ती से ही ये ग्रो हो गया है। तो इस तरह से पत्ती से भी इसको ग्रो किया जा सकता है, और जो है ये हमारे घर में धन की कमी नहीं होने देता है। इस प्लांट को भी जो है आप लगा सकते हो इस अच्छे मौके पर, शुभ अवसर पर। अगला प्लांट यहाँ पे देखिए, ये है डॉलर प्लांट। डॉलर प्लांट को भी बहुत शुभ माना जाता है, और ये भी एक सकुलेंट वैरायटी ही है। तो ये भी जो है, इसको पानी की कमी नहीं होने देना होता है। अगर ये सूख जाता है तो ये पत्तियाँ बिल्कुल लटक जाती हैं। तो इसको भी जो है डॉलर प्लांट बोला जाता है, और ये भी हमारे घर में जो है धन की कमी नहीं होने देता है। धन को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचता है, अपनी ओर खींचता है, और जो है इसको लगाना हमारे घर में शुभ माना जाता है। तो इसको भी आप ज़रूर लगा सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये भी। मतलब कि थोड़ा सा, बस थोड़ा ध्यान रखना होता है, इसको बिल्कुल सूखने नहीं देना होता है, इसमें नमी बनाए रखना है और इस पर शावरिंग करते रहना है। बस ऐसे ही जो है ग्रीन बना रहता है हमेशा, ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, और जो है शुभ भी माना जाता है। तो इसको भी आप लगा सकते हो अपने गार्डन में, अपने घर में। अगला प्लांट यहाँ पे देखिए, मनी प्लांट। मनी प्लांट को तो कौन नहीं जानता, तो मनी प्लांट सबके घरों में वैसे मिली जाएगी। अगर किसी के पास नहीं है तो आप इसको भी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये भी ऑक्सीजन रिच प्लांट है, और इंडोर इसको आप लगा सकते हो, और जो है ये भी हमारे घर में जो है धन की कमी नहीं होने देता है, और बहुत ही शुभ प्लांट होता है। इसको भी लगाना घर के अंदर। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा फैला हुआ था ये मेरा प्लांट जो है ना, मैं अभी इसकी कुछ दिन पहले इसकी कटिंग करी थी पूरे प्लांट की, जो पुराना था ना वो मैंने निकाल दिया। क्योंकि अगर इसको मैंने कट करती तो ये धीरे धीरे जो नई ग्रोथ है ना वो धीरे होती, और जो पुरानी ग्रोथ थी ना, पुराने प्लांट जो था, तो वो क्या है, नए प्लांट निकलने के बाद धीरे धीरे वो अपनी पत्तियाँ गिरा देता, और फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता। तो उसको मैंने इस टाइम पे, मैंने अभी 10-12 दिन पहले इसकी कटिंग कर दी, और उसके बाद देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी, बड़ी बड़ी पत्तियों वाला है ये। ये देखिए, तो मनी प्लांट को भी आप जो है अपने घर में लगा सकते हो। ये एक बेलनुमा प्लांट है, इस तरह से मॉस स्टिक आप इसको बीच में लगा दोगे यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ जो है मनी प्लांट को जाने देना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना ही अच्छा होता है। तो बहुत हेल्दी है प्लांट मेरा। तो इसको जो है बड़े पॉट में मैंने लगाया, इस तरह से देखिए, ये बिस्लेरी के पॉट में, तो काफ़ी बहुत सारा फैल जाता है अगर इसको बड़ा पॉट दे दो ना। अगर आपका प्लांट थोड़ा बड़ा है तो उसको बड़ा पॉट दीजिए, अगर छोटा है तो छोटे पॉट में ही रखिए। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसको बड़ा पॉट आप देते जाइए। तो इसको भी लगाना बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। तो इसको आप लगाएं अपने घर में। तो यहीं पर देखिए, यह है हार श्रृंगार का। हार श्रृंगार भी आप जो है अपने घर में ऐड कर सकते हो, गार्डन में लगा सकते हो। तो ज़रूर इसको भी लाएँ, बहुत ही शुभ होता है ये भी। तो इसके भी जो फूल है ना, इसमें एक ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फूल जो है शाम के टाइम खिलते हैं, और बहुत ही अच्छा माना जाता है इसको भी। तो ये शुभ प्लांट है ये भी, इसको आप अपने घर में ज़रूर ऐड कर सकते हैं इस शुभ अवसर पे। तो यहाँ पे देखिए, ये एक ड्रेसिना की वैरायटी है, इसको भी गुड लक प्लांट बोलते हैं। इसको भी लगाना शुभ माना जाता है घर में, तो इसको भी जो है आप लगा सकते हो। इंडोर प्लांट है ये, घर के अंदर आप लगा सकते हो। इस तरह से देखिए, ज़्यादा पानी होने की वजह से इसमें थोड़ा धूप इस पर भी आती है, तो धूप की वजह से इसकी पत्तियाँ बर्न होती हैं इस तरह से। तो इसको शेड में रखना होता है, तो इसको मैं भी शेड में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि अब आगे आगे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है। तो बस इसी तरह से बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको आप अपने घर में लगा सकते हो, और जो है अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए ये सारे प्लांट आप लगा सकते हो। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।